डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल आरएफ एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वुड के ऊपर, WOULD, वुड। जी, वुड, गा, गी, गे, एल इसमें साइलेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पीकिंग में बहुत इस्तेमाल है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। लुक एट बोर्ड नाउ, मॉडल्स वुड, गा, गी, गे। मॉडल ये विल का पास्ट होता है, जी विल का पास्ट होता है, लेकिन मीनिंग फ्यूचर में गा, गी, गे में आता है। इसका जो इस्तेमाल है, पोलाइटनेस, डिजायर, रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑफर, कई जगह पे इस्तेमाल इसका होता है। और जब भी वुड बोलेंगे आप, प्यार, मोहब्बत, आज इसी के साथ बोलेंगे। जी हाँ, आज इसी के साथ वुड बोल के देखें आप, वुड अकड़ नहीं आएगी, वुड एक जुकाम महसूस होगा आपको। अब रूट्स देखते हैं सेंटेंसेस। सेकंड लिखा है इमेजिनेशन, कल्पना, तसव्वुरात। अब ए पॉइंट नंबर वन, किसी अपनी छोटी या बड़ी तमन्ना, इच्छा को जाहिर करने के लिए। कैसे? हम जैसे हमसे किसी ने पूछा आइसक्रीम के बारे में, हमने क्या कहा, आई वुड लाइक द आइसक्रीम इन कप। आप कभी रेस्टोरेंट गए होंगे, जाते हैं, मैकडी भी गए होंगे, तो आप आइसक्रीम लेते हैं, कप में लेंगे, कॉन में। आई वुड लाइक आइसक्रीम इन कप, आपने अपनी तमन्ना बताई, पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर वर्ब, उसके आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा। आई वुड लाइक द आइसक्रीम इन कप, मैं कप में लूंगा आइसक्रीम। अगर इसको आप इस तरीके से बोले, आई वुड लाइक टू हैव, और अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, मैं चाहूंगा, एक्चुअली फ्यूचर में मीनिंग होगा, चाहता हूं भी कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग फ्यूचर में आएगा, चाहूंगा। आई वुड लाइक टू बिकम एन इंजीनियर। किसी ने आपसे पूछा आप क्या बनना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, गोल क्या है। आई वुड लाइक टू बिकम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना पसंद करूंगा। कुछ बनने को बिकम कहते हैं, ये हमने लिखा बिकम, बीबी कहते हैं, बीईबी। आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बी एन एडवोकेट, कुछ भी तमन्ना है। आई वुड लाइक टू बी अ बिग बिजनेस मैन। आगे देखते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ये क्या है सेंटेंस? जैसे आपके घर में गेस्ट आए, या आप किसी होटल में गए, तो किसी भी रेस्टोरेंट में, और वहां पर जो है वेटर आपसे पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो वहां बताएंगे जो आपको खाना होगा, जो पीना होगा, वहां यूज करेंगे आई वुड लाइक टू हैव। या गेस्ट ने कहा आपसे, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैं एक कप कॉफी लेना चाहूंगा। टू हैव, यू हैव खाने पीने के लिए यूज होता है। डिक्शनरी में हैव का मीनिंग है रखना, लेकिन रख के क्या करेंगे आप, फेंक देंगे कॉफी, पिएंगे, सेंस, कॉमन सेंस। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद यू, हमने ये भी लिख दिया, विद यू, आपके साथ। आई वुड लाइक टू हैव डिनर विद यू, मैं आपके साथ डिनर करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डांस विद यू, जो भी आपको तमन्ना जाहिर करनी है, इच्छा प्रकट करनी है, अपनी ऑफर कर रहे हैं आप, ऑफर आगे इसके अंदर, आप अपनी डिजायर बता रहे हैं, ख्वाहिश बता रहे हैं, ठीक है, और बहुत नरम दृष्टि से बोल रहे हैं, मुस्कुरा के बोल रहे हैं, अकड़ के तो बोलेंगे नहीं, मैं आपके साथ चाय पीऊंगा, ये तो नहीं आएगा ना। आई वुड लाइक, यस, पोलाइटनेस के साथ, आई वुड लाइक टू हैव, जितना मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो चाहता हूं या चाहूंगा, तो तरीका क्या है बोलने का, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू हैव रखना, दोस्ती, फ्रेंडशिप विद यू, आपके साथ। आई वुड लाइक टू हैव फ्रेंडशिप विद यू, मैं आपका दोस्ती रखना पसंद करूंगा। और भी तमन्ना आपको बतानी है, कार खरीदनी है, आई वुड लाइक टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदना पसंद करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आई का ही इस्तेमाल क्यों करा, तो तमन्ना आदमी अपनी बताता। बाकी ऐसा भी है, मिसाल के तौर पर हम मार्केट में कुछ खरीद रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए, अब किसी और के बारे में राय देनी है, उसकी ख्वाहिश बतानी है, आपने आपने कहा, आप तो जानते हैं, मेरे ख्याल से जैसे आपने सूट खरीदा, तो आपने कहा ही वुड लाइक, अगर लड़का है, लड़की है, तो आप शी बोलेंगे, ही वुड लाइक टू वेयर दिस सूट, वो ये सूट पहनना पसंद करेगा। शी वुड लाइक टू वेयर दिस साड़ी, वो इस साड़ी को पहनना पसंद करेगी। थर्ड पर्सन के बारे में आप तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। तो वुड का जो मेरा इस्तेमाल है, वो तमन्ना जाहिर करने के लिए है, और आज इसी के साथ इस्तेमाल होता है वुड का। जी बिल्कुल, आज इसी के साथ। कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो सेंटेंस ऐसे होते हैं, हम वहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा होता है, जब मिसाल के तौर पर अरे हम किसे मिलने के लिए गए, ये तो है नहीं, मेरे ख्याल से ये वहाँ मिलेंगे ग्राउंड में, इस पर ग्राउंड में मिलेंगे, श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी, गुंजाइश है, तो वहां भी हम कह सकते हैं कि ही वुड बी, वो मिलेंगे, ही वुड बी इन ग्राउंड, ठीक है ना, या ही वुड बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में मिलेंगे, इस तरह कह सकते हैं। शी वुड बी इन कॉलेज, वो कॉलेज में मिलेगी, कॉलेज में होगी, एक पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर ही वुड आता है इस तरीके से।
वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। और एक जो मैंने आपको बताया इमेजिनेशन, ये कंबाइंड सेंटेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो आपको डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से। अभी मैंने आपको बताया कि वुड का इस्तेमाल तमन्ना जाहिर करने के लिए, तमन्ना जी, तमन्ना जाहिर करनी है, ख्वाहिश जाहिर करनी है, वहां हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। और लाइक के साथ आएंगे तो और अच्छा रहेगा। समझ में आया होगा आपके कि वुड का यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। और अब इसके आगे जो पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, क्लिप काफी लंबी हो जाएगी। जैसे हम परमिशन के ऊपर, इमेजिनेशन पे हम आपको डिफाइन करेंगे। नाउ इट हैज बीन क्लियर। अब आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करें और उसे, और हमें कमेंट करें कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।